और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने जंग में रूस को सैन्य मदद दी है। उत्तर कोरिया ने रूस के तोपखानों में गोलों की कमी को पूरा किया है। ये दावा ऐसे समय में आया है जब रूस का यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका से भी तनाव बना हुआ है। जंग में विलन बन रहा उत्तर कोरिया। रूस को दे रहा हथियारों की मदद। पुतिन के तोपखाने में किम का बारूद। यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हुई। 8 महीनों में हजारों गोले दागे गए। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। युद्ध में यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। हमारे समय में ऐसी बर्बादी की लाइव तस्वीरें तो पहली बार ही दिखी। क्योंकि इससे पहले का हुआ भीषण युद्ध सिर्फ किताबों में था। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूक्रेन पर हमला करते करते रूस को हथियारों की कमी होने लगी है। उसके सैन्य डिपो में मिसाइलों की कमी हो रही है। तोपखानों में गोले कम पड़ने लगे हैं क्योंकि रूस के किए इतने हमलों के बाद भी जेलेंस्की की सेना नहीं झुकी। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया। लेकिन टेंशन इस बात से बढ़ गई है कि दो देशों के बीच हो रहे युद्ध को कोई और है जो हवा दे रहा है। वो नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो और शांति आए। ये बात तो सबको पता है कि अमेरिका जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन की सेना रूस की सेना का सामना कर पाई। अभी इसी अमेरिका ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। अपने कट्टर दुश्मन किम जोंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद मुहैया करा रहा है। रूस के तोपखानों में गोलों की कमी को दूर कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे कई देश हैं जो शांति की बजाय जंग को हवा देने में लगे हैं। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद में लगे हैं तो दूसरी तरफ अब पुतिन की सेना को भी मदद का दावा किया जा रहा है। व्हाइट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किरबाई ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया बड़ी संख्या में रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस इस बात पर यकीन नहीं करता है कि इससे जंग में कोई बदलाव आएगा। हमें इस बात पर यकीन नहीं कि जो सामान पुतिन को मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं वो युद्ध के नतीजों को बदल सकेंगे। अमेरिका भले ही जो दावा करे, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशानी जेलेंस्की और पुतिन की सेना को हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो युद्ध को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा पाए हैं। आज के हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि अभी युद्ध लंबा खिंचने वाला है। उधर युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद रूस ने परमाणु हमले से भी इनकार कर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, परमाणु युद्ध को लेकर हमारी नीति साफ है। रूस हमेशा इस बात को मानता है कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता, इसलिए इसे लड़ना ही बेकार है। रूस के बयानों से भी भले ही परमाणु हमले की आशंका कम होती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से युद्ध में गोले और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, वो तबाही को रोक नहीं सकते। और इस बीच नॉर्थ कोरिया